तो यार आज ना मैं व्रत की एक बहुत सिंपल रेसिपी बताने वाली हूँ जो आप अपने घर में बना सकते हो व्रत के टाइम पे। तो इसके लिए हमें चाहिए सबसे पहले 5 से 6 आलू, उसके अंदर आपको डालना है सिंघाड़े का आटा, और फिर उसके अंदर आपको डालना है जीरा, कटी हुई मिर्ची, और लास्ट में थोड़ा सा धनिया डाल देना है। तो इसमें नमक स्वाद के अनुसार, व्रत वाले जो नमक होते हैं सेंधा नमक, उसको डाल के अच्छे से मिक्स कर लेना है। और अब आपको इसकी ना छोटी टिक्कियाँ टाइप की बना लेनी है, और बस सिंपल से इसको आपको डीप फ्राई करना है। आप इसको शैलो फ्राई कर सकते हो, या फिर इसको आप जस्ट पैन पे हल्का सा पका सकते हो थोड़ा सा तेल लगा के। और बस ये रेडी है, चटनी के साथ खाओ पियो, एंजॉय करो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक नहीं सब्सक्राइब।